सर पिछले 15 दिन पहले ये सब हुआ। अब वो इस 15 दिन के बीच में मेरे से कम रोल ओवर कहने के नाम पे ना, कि मैं मुझे पहले बोला कि आप ये पेमेंट कर दो इतनी और आपका लोन बंद हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 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 मेरे से 70-75 हजार रुपए करा चुके हैं। फिर कल तो तो लोन हद ही यार हो गई मतलब कल। 20 रुपये भी नहीं है, तो फिर कहाँ से डाउनलोड कर लिया आपने? अरे लिंक आया सर था? वही तो गलती हुई सर, ये उसमें था एंड्रॉयड मार्केट में, हाँ अच्छा, iOS में था ये। किस ऐप तो है सर ये? उसके कोई लोन ऐप नहीं है, आम आदमी को पता नहीं होने की वजह से ये सर आपको अब लोन मेरी के तो सुनो कि फिर नाम वो क्या पे। रहा है। अब कल ये मुझे ना पीछे पड़ गए कि पूरे 38 हजार करो। मैंने कहा तुम, मैं तो इतने पैसे दे चुका हूँ 70-75 हजार रुपए, ये हमारे पास तुम्हारी सारी कांटेक्ट डिटेल है, ये है वो है, हम सबको कॉल करके तुम्हारी न्यूड फोटो बना के भेज देंगे और फोन चोर कर देंगे, ये वो गंद गंद बोलने लग गया पेरेंट, मतलब वाइफ और मैं और बच्चा ही है तो बहुत गलत गलत बोलने लग गया, बता भी नहीं सकता सर। तो कल मैंने वो कल से वो नंबर बंद कर दिया, वो व्हाट्सएप नंबर भी डिलीट कर दिया, अब मैं ये वाला नंबर यूज कर रहा हूँ सर। अब अच्छा बताओ ठीक मैं इस बॉस करूँ क्या। है, मैंने लेकिन साइबर क्राइम में कंप्लेंट ऑनलाइन कर दी आज सुबह बहुत अच्छी बात है, करना और जरूरी अपने है। जो लोकल पत्रकार है उसमें भी निकलवा दिया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ स्टेट गवर्नमेंट का। अब मैंने खाली लोकल तो बार बार ये चीज क्यों बोल रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से या सर नहीं डर होने लगता है ये ना हो ना नौकरी पे बात आ जाए तो नौकरी चली जाती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर, साथ मैं फ्रॉड तभी तो उठाएगा। आपसे गवर्नमेंट पूछ रहा हूँ, मेरे आप सोचो मैं कितना डरा हुआ हूँगा सर। फ्रॉड एम्प्लॉय के साथ फ्रॉड हो जाए तो नौकरी चली जाती है, तो मुझे पता ही नहीं। नहीं कहीं ये ना हो ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो लीगल एक्शन तो नहीं कुछ ले लेते कि जबरदस्ती का इतना पैसा लेने के बाद भी। कोई लीगल एक्शन कैसे लेंगे, ये एक फ्रॉड ऐप है, कोई लीगल लोन ऐप नहीं है। और इनसे कैसे बचना है, क्या है नहीं है, वो सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि जब हाँ सारी जी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो कहीं से आपको ना इनका पेमेंट का टेंशन रहेगा, ना इनका ब्लैकमेलिंग कॉल का, ना ही कहीं जी से कांटेक्ट में बदनामी का। आपको अपने जी बचाव में क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप लेना है जिससे हाँ कि जी साहब इससे कोई इशू ना रहे। जी साहब भी इस तरह की फेक ऐप, टका पॉट, कैश वॉलेट, लेंडिंग ऐप, लोन प्लैनेट, कैश किंगडम, कैंडी बे, क्रेडिट मुगा, टका पॉट, टका मॉल जैसे ऐप्स परेशान कर रहे हैं और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोल ओवर के नाम पे कि भैया आज डिस्काउंट है, आज ऑफर है, आधे पैसे पे कर दो, डायरेक्टली पे कर दो, ऐप में करोगे तो पूरा करना होगा, मुझे करो, मैं फाइल लोन क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से कह के आपके साथ एक और फ्रॉड कर लिया जाता है। पहली बात तो फेक ऐप है, ना ऐप में पेमेंट करें, ना किसी रिकवरी एजेंट को, ना ही किसी लिंक पे। कैसे बचना है, क्या करना है, कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप लेने हैं, कहाँ कंप्लेन करना है, सारा कुछ आपको एडवाइस किया जाएगा। हेल्प लें, समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बने रहें हमारे साथ।